बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी जनाब कर रहे होंगे। आप लोगों का पेपर है सप्लीमेंट्री 2023 जो कि अभी कंडक्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के। आप लोगों का ये क्वेश्चन मैंने जो है वो लिखा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है एनुअल 2023 का। तो क्योंकि पेपर में कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आना है कि जिसमें जनाब उसने जो है वो हमें इस तरह से तीन इक्वेशन दी होगी और आगे उसकी मर्जी है कि वो हमें सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है। वो ये कहेगा इन तीन इक्वेशंस को देखे कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से सॉल्व करें, या मुमकिन है वो खामोश रहे और बोले कि जनाब आप इसको सॉल्व करें, तो फिर आपकी मर्जी होगी कि आपने इसको किससे सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये इस वक्त मैं क्लासरूम में करवा रहा हूँ और क्लासरूम में जनाब स्टैंड की सहूलत नहीं है और माइक भी नहीं है, तो आप लोग जो है वो अगर कुछ ब्लर हुआ तो सुन लीजिएगा तवज्जो से, क्योंकि बोल तो मैं रहा हूँ तो आप जो है वो उसको जरा पिक करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने की मदद से आप जो है पेपर में आने वाला कोई भी 3x3 वाला जो क्वेश्चन है कि जिसमें तीन रोज और तीन कॉलम है और हमने उसको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से उठाया हुआ है, तो उसको सॉल्व करना आप लोग जो है वो सीख जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको देखिएगा, आप लिखिएगा के सर्च बार के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बाय आफ्ताब अत्तारी। आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें चेक कीजिएगा, जो सप्लीमेंट्री 2023 की वीडियो बनी हुई है आप उसको देख लीजिएगा, फायदा होगा। बहरहाल अभी इस क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगे हैं जनाब। हमने इस क्वेश्चन को करना है, ये एनुअल 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपको पता है जनाब कि हमने इस तरह से इसको लिख देना है कि ये हमारे पास है 1 1 1, फिर उसके बाद है 1 -1 और 2, फिर जनाब 2 3 -1, उसके बाद जनाब हमारा मैट्रिक्स चलेगा आगे, तो हम लिखेंगे x y एंड z। उसके बाद मेरा बेटा हम जो है वो इस तरफ लिखेंगे 4 3 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया। अब हम इनके नाम रखने हैं, नाम रखेंगे। ये हमारे पास a है 1 1 1 1 -1 2 2 3 -1, ये जनाब a हो गया। x हम कहेंगे इसको x y एंड z, ये हमारे पास जो है वो कैपिटल x है। और उसके बाद b जो है वो हम इसको बोल देंगे, ये है 4 3 और 1। मैं बेटा उसने क्वेश्चन में लास्ट टाइम जो कहा है एनुअल 2023 में, उसने कहा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड के साथ। मैट्रिक्स मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए हमने हमेशा इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप अगर गौर करें तो आपके पास ना बेटा यहां पर b भी मौजूद है, आपके पास यहां पर x भी मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है? और वो है a इनवर्स हमारे पास नहीं है। तो मैं बेटा हमने यहां पर a इनवर्स को मालूम करना है। a इनवर्स मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट, ये हमारे पास फार्मूला है a इनवर्स फाइंड करने के लिए। अब हम चले मालूम करने लगे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमने क्या करना है? ले जनाब अगले पेज पे आए। आपको पता है जब 2x2 का एडजॉइंट मालूम करना हो वो तो बड़ा आसान होता है, उसमें आपने क्या करना होता है? मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। फर्ज करें जी 1 2 3 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें एडजॉइंट मालूम करना हो तो इसका एडजॉइंट ऐसे मालूम होता है कि हम जो है वो इन दोनों की जगह तब्दील कर देते हैं और इन दोनों के साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, ये +2 हो जाता है और ये -3 हो जाता है। ये हमारे पास जनाब 2x2 का होता है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ मालूम करना है 3x3 का एडजॉइंट, तो 3x3 का एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना है बेटा? देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके लिए मेरे बेटा हमें चाहिए को फैक्टर्स ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज। हाँ, हमने को फैक्टर्स ऑफ ए जो है ना
उसका ट्रांसपोज लेना है तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। सर ये कोफैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं? चलिए हम कोफैक्टर्स की तरफ चलते हैं। ये जनाब हमारे कोफैक्टर्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। कोफैक्टर्स के लिए जरा थोड़ी हमें बड़ी ब्रैकेट जो है वो चाहिए। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर जनाब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम और पहली रो तीसरा कॉलम जो है वो छोड़ के, तो जो जो बाकी बचेगा उसको हमें लिख लेना है। ये देखिएगा जनाब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें मैं जनाब, ये ए है तो इसको यूज कर लो यहां पे, ये पहली रो है इसको छोड़ दिया, ये पहला कॉलम है इसको छोड़ दिया, जो बाकी बच गया उसको वहां पर लिखेंगे। तो बाकी बच गया हमारे पास वन माइनस वन टू थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस वन टू थ्री माइनस वन। पहली रो पहला कॉलम गया, अब जनाब हमने पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बाकी बचेगा वन टू टू माइनस वन वन टू टू माइनस वन। आप अच्छे जरा देखिएगा, अगर मैं किसी कहीं से कुछ गलत बोलूं तो आप उसको दुरुस्त करवाइएगा। जी मैं बेटा, उसके बाद जनाब हमने करना है पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना है। इस तरह बाकी बचेगा वन माइनस वन टू और थ्री वन माइनस वन टू और थ्री। ये हमारे पास जनाब आ गया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के जो जो बाकी बचा था उसको हमने लिख लिया। अब बारी है दूसरी रो और पहले कॉलम की। दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ के जो बाकी बचेगा उसको हमने यहाँ पर लिखना है। तो लिखने लग रहे हैं जनाब, दूसरी रो आपने छोड़ दी, ये आप दूसरी रो है, ये दूसरी रो छोड़ दी और पहला कॉलम छोड़ा, तो इस दफा बाकी बचा वन वन थ्री माइनस वन 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 थ्री माइनस वन। फिर उसके बाद दूसरी रो छोड़ दी और दूसरा कॉलम छोड़ दें, ये दूसरी रो ये दूसरा कॉलम वन वन टू माइनस वन 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 टू माइनस वन। उसके बाद दूसरी रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम छोड़ दें, ये दूसरी रो ये तीसरा कॉलम वन वन टू थ्री वन वन टू थ्री हो गया। अब जनाब थोड़ा सा हमें जी ब्रैकेट को बढ़ा कर लेना, ब्रैकेट को बढ़ा करके जनाब जो है वो आगे चलेंगे। ले जी अब जो है बारी है दूसरी रो के बाद तीसरी रो और पहला कॉलम, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये छोड़ के जो बाकी बचेगा उसको हम जो है वो जनाब लिख लेंगे। तो तीसरी रो और पहला कॉलम, ये जनाब तीसरी रो इसको हमने छोड़ दिया और पहला कॉलम जो है वो हमारे पास ये है इसको भी छोड़ दिया, बाकी बची है वन वन माइनस वन टू वन वन माइनस वन और टू। उसके बाद तीसरी रो छोड़ दी और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरह बची है हमारे पास वन 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 टू, ऐसे ही जी वन 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 टू। उसके बाद जनाब तीसरी रो छोड़ दी और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, इस दफा बचा वन 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 माइनस वन 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 और माइनस वन। ये हम कोफैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, कोफैक्टर्स जब आ जाएंगे तो उनका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये काम करने के बाद आपने यहां साइन लगाना स्टार्ट करने हैं, प्लस से हमेशा शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस से चलना है और तरतीब से आपने निशान लगाते जाना है, लगा दिए। अब ये देखें ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हल करना, और डिटर्मिनेंट को मेरा बेटा हल करना आप लोगों को आता है, क्या हम हमेशा करते हैं जनाब डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए हमेशा इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में हमेशा साइन आता है फार्मूले का माइनस, तो जनाब माइनस का हमने निशान लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हल करके जो जवाब आ जाए ना वो हमने लिखना है। तो वीडियो जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाए उसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने जनाब क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया हुआ इस तरह, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हम जो है वो क्वेश्चन को अगली कंप्लीट कर लें। लेकिन हम जो है वो कोफैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, अब इन कोफैक्टर्स का यहाँ पर सोल्यूशन आने लगा जी, इन कोफैक्टर्स का सोल्यूशन जनाब हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करने से। जरा मैं एक सॉल्व करके आपको बता भी देता हूं,
माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस वन, जब प्लस वन आ जाएगा तो हम जनाब उसको लिखेंगे प्लस वन और माइनस का साइन फॉर्मूले का, थ्री टू जार सिक्स, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस फाइव, तो इसका मतलब ये हुआ इसको हल करके आएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव। फिर उसके बाद क्या बेटा, इसको हल करके हमारे पास आंसर आएगा फाइव, फिर इसको हल करके हमारे पास क्या बेटा आंसर आएगा फाइव, फिर जहां इसको सॉल्व करके अब y को के जहां माइनस होगा उसको भी हमने एंटरटेन करना है। अच्छा जहां इस पूरे को विद माइनस हल करके जो जवाब आएगा वो आएगा 4, इस पूरे को प्लस के साथ सॉल्व करके जो जवाब आएगा वो आएगा माइनस 3, इस पूरे को जनाब जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1, फिर इस पूरे को सॉल्व करके जनाब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3, फिर इसको सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस 1, और बेटा इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस 2। ये हमने अभी को फैक्टर सॉल्व किए हैं, लेकिन हमें तो को फैक्टर नहीं चाहिए, हमें तो को फैक्टर का ट्रांसपोज चाहिए, तो जनाब अगले पेज पे आते हैं और को फैक्टर्स का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। जी बेटा, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, को फैक्टर्स ऑफ ए उनका ट्रांसपोज जो कि किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के, तो हम जनाब को फैक्टर्स निकाल रहे हैं उनका ट्रांसपोज, को फैक्टर्स निकल चुके हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आपको पता है बड़ा ही आसान होता है, अब क्या करते हैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रोज है इनको कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये आएगा माइनस फाइव फाइव और फाइव, उसके बाद जनाब ये भी रो है इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कॉलम में कन्वर्ट करके आएगा फोर माइनस थ्री और माइनस वन, फिर उसके बाद ये भी रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा थ्री माइनस वन माइनस टू। जी बिल्कुल, हम जो है वो को फैक्टर्स मालूम करके उसका ट्रांसपोज ले चुके हैं जो कि एडजॉइंट है, तो ये अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया और क्या चाहिए ए का डिटर्मिनेंट, तो मेरे बेटा डिटर्मिनेंट भी मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट मेरा बेटा डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमने ए की पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देना है, जो बाकी बचेगा उसको लिखना, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ के जो बाकी बचा उसको लिखें, तो वो बाकी जो बचना है वो यही वाला बचना है, इसी को लिख लेते हैं यहां पे, ये आएगा जी माइनस वन टू थ्री माइनस वन, फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के जो बाकी बचा वो लिख लें, वो है वन टू टू और माइनस वन, फिर उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के जो बाकी बचा वो लिखे लेना वन माइनस वन टू थ्री। डिटर्मिनेंट मालूम करते हुए हमने क्या करना है, क्योंकि हमने पहली रो छोड़ी है तो पहली रो के अंदर जो जो लिखा हुआ है ना इसको यहां लिखना, वन 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 लिख लिया सर, क्योंकि पहली रो में सारा वन वन है, फिर यहां पर आपने साइन देना उसी तरह प्लस माइनस प्लस, यहां पर तो वन के साथ ऑलरेडी कोई साइन बना हुआ है फिर भी साथ में प्लस लिखना था, अब इस पूरे को हल करें, इस पूरे को हल करें तो हमारे पास जवाब क्या आना है माइनस फाइव, इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब आना है प्लस फाइव, इस पूरे को सॉल्व जी कंटिन्यू वहीं से जी सर चले, तो मेरा बेटा देखिए हमने जब क्या करना है, ये पहली रो जो है पहली रो के अंदर था वन वन वन, तो हमने भी यहां पर लिखा वन वन वन, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, इस पूरे को हल करेंगे, हल करके प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस फाइव, इस पूरे को सॉल्व करके माइनस वन के साथ करेंगे तो वो प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी क्या था माइनस ही था, तो इसीलिए इसको भी सॉल्व करके वही आना है। अच्छा एक बात याद रखे, कुछ बच्चे शायद ये समझे कि ये पहले वाले लफ्ज उठा कर यहाँ लिख देने हैं, नहीं मेरा बेटा पहले वाले तो अभी कुदरती तौर पर लिखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रो क्या थी वन 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 से वो मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पर होता टू तो फिर कभी भी ये फाइव नहीं था ना, यहाँ होता थ्री कभी भी फाइव नहीं था ना, यहाँ कोई सेवन एट होता कभी भी ये नहीं था ना, तो इसलिए आपने क्या करना है इस पूरे को सॉल्व करना है, इस पूरे को सॉल्व करने का तरीका ये है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई
माइनस का साइन फार्मूले का, फिर उसके बाद 3 को 2 से करें तो 6, वो माइनस 6, तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 करेंगे कांसेप्ट माइनस 5 आएगा। इसके बाद माइनस 1 को 1 से करेंगे तो वो माइनस 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो वो 4 आएगा, और 4 वो कौन सा होगा माइनस का, तो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 जब ये इस माइनस 1 के साथ सॉल्व होगा तो वो प्लस 5 बन जाएगा। और फिर जब इसको भी इसी तरह करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 और 3 को, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 = 3, और उसके बाद जनाब 2 1 = 2, तो ये आ जाएगा माइनस क्यूब है, और वो माइनस माइनस प्लस भी हो जाना है, फार्मूले का लिखना है। अब जिन बच्चों को ये बातें पता है उनको समझ आ रही होगी कि ये इसके साथ क्या बात कर रहे हैं। मैं यहां कर देता हूं यार आप लोगों की तसल्ली के लिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, माइनस का साइन फार्मूले का, 1 को 2 से करेंगे माइनस 1 है, 2 से करेंगे तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, तो जनाब इसका आंसर भी आएगा 5 ले ली। अब आप इसको सॉल्व करें, प्लस प्लस 10 हो गया माइनस, तो बाकी फिर से 5 रह गया, तो ये प्लस का 5 जो है डिटरमिनेंट आ चुका है, एडजॉइंट आ चुका है। ये जो इक्वेशन हमने स्टार्ट में लिखी थी, इस इक्वेशन को यहां पर दोबारा से लिखा जाएगा और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए हम दोबारा से लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x कितना लिखें आप, x y एंड z, फिर ये जो a इनवर्स है, a इनवर्स का जवाब कैसे आना था, ऊपर आपने लिखना है एडजॉइंट और नीचे आपने लिखना है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट 5 है और एडजॉइंट आप ये वाला उम्मीद कर चुके होंगे, तो लिखेंगे 5 4 3, उसके बाद ये क्लियर नजर आ रहा है मेरे भाई, चले उसके बाद है जी 5 -3 और -1, उसके बाद मेरे भाई 5 -1 और 2 लेना, ये हमने जो है वो -2 कहां फाइंड ये वाला, ओके जी लेकिन हम हमने ये वाली सारी वैल्यूज इधर लिख दी हैं, साथ में हमें बी लेना है, तो बी जो है वो हमारे पास मौजूद है वहां पर, वो है 4 3 और 1 4 3 और 1। अब मल्टीप्लाई हो गए हैं, ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेना पहली रो को पहले कॉलम से, -5 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया -20, 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया -12, और 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया -3, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 20, -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया -9, -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -8, फिर 5 की तीसरी रो की बारी, 5 को 4 से किया तो 20, 1 को 3 से किया तो -3, क्योंकि ये माइनस है खामोशी, उसके बाद जी खामोशी पर है जी, ये बच्चा जो है ना ये हमारे कॉलेज की बड़ी रौनक है, तो उसने कहा कि सर मेरा नाम ले दें, तो जनाब इसका नाम है सदर अहमद भी, ये जनाब कामोशी से बिलोंग करते हैं, क्लास की आन शान मान है, तो इनके लिए जरा थोड़ी सी आपने क्लैपिंग कर देनी है सवाल करते हुए जी मैं बेटा। तो अब जनाब हमें क्या करना है, तीसरी रो दूसरा कॉलम इसको खत्म कर रहे हैं, तीसरी रो पहला कॉलम 5 को 4 से किया 20 और -1 को 3 से किया तो -3 और 2 को 1 से किया तो आंसर आया -2। अब आप इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो नीचे हमारे पास ऑलरेडी 5 चल रहा है वो डिटरमिनेंट वाला, ले जी -20 + 12 + 3, तो हल करके जवाब आएगा हमारे पास 10, माइनस का 10 नहीं माइनस का 5, फिर उसके बाद इसको हल करके हमारे पास जवाब आएगा जमा का 10, इसको हल करके हमारे पास जवाब आएगा माइनस नहीं सिर्फ 15 लेना, और इसको हमने डिवाइड करना है किससे 5 से, 5 सब के साथ जब डिवाइड होगा इसके भी और इसके भी, तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो जनाब जवाब आ जाएगा -1 2 और 3, तो हमारे पास x y और z का जवाब आ चुका है, x का जवाब -1 है, 2 y का जवाब 2 है, और z का जवाब जो है वो 3 है। किसी किस्म का कोई मसला आया हो
ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अगर कोई आपको सही से चीज नजर ना आई हो तो जो से सुन लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो जनाब आप मजीद जो है वो चीजों